प्राइम फोकस होना चाहिए सरकार के, सेना, रक्षा मंत्रालय, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, कोर्ट कचहरी, पुलिस डिपार्टमेंट, सबका ध्यान कहां रहना चाहिए? उधर विदेश के ऊपर होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? और इसमें आपको कुछ जाएंगे अनुच्छेद 19 का एक, अभिव्यक्ति की आजादी, 19 चार, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। देखिए किधर से मार रहा है ये, तो घुमा तो धाए नहीं, यहाँ पे जाओ जाके हल्ला करो कोर्ट में, मार देगा यहाँ पे। नेशनल इमरजेंसी में भाग गए आदमी नहीं जानवर हो, समझ में आ गया? नेशनल इमरजेंसी में आपको एहसास नहीं होगा कि आप अपने देश में। सरकार के खिलाफ अगर बस इतना बोल दिए, सपोज कीजिए कि आज पाकिस्तान भारत पर हमला कर दे या चाइना हमला कर दे, और सरकार को मजबूरन क्या लाना पड़े, इमरजेंसी, तो तत्काल इमरजेंसी लाएगा कौन? राष्ट्रपति। फटाक से हमला हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देगा, IBCID दुनिया भर का रॉ वगैरह, भारत पर आक्रमण हो गया, गृह मंत्रालय अभी अमित शाह के पास है, मंत्रिमंडल मोदी जी के पास, तुरंत लिखित सिफारिश देंगे, हाँ नेशनल इमरजेंसी लगाया जाए, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, 500 मीटर की दूरी पे है, धायदेव पहाड़ी पे बैठा है, रायसीना की पहाड़ी पर, क्या कीजिए, नेशनल इमरजेंसी डिक्लियर। कितने दिन रहेगा? 30 दिन। कितने दिन? 30 दिन। और सारे नेताओं को, संसद का जो सचिवालय है वो सारे नेताओं को फोन करेगा, ए महाराज आइए आइए आइए, ये पारित करना 30 दिन के अंदर। अब 30 दिन के अंदर पूरी सेना कहां जाएगी? चीन बॉर्डर पे। सड़कों पर कोई निकल गया नहीं निकल सकते हैं, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, बाहर में गया पूरी सेना जाएगी, दानापुर रेजिमेंट से पूरी फौज, इलाहाबाद, बनारस, गया, पूरी फौज जाएगी। पता चला नेशनल इमरजेंसी नहीं रहेगा और फौज को भेजिएगा, उधर इमरजेंसी पड़ल, गांधी सेतु जाम है, कर्नल साहब हरण मार रहे हैं, तो यार नेशनल इमरजेंसी लगाइए ना, उठा के क्रेन फेंक देगा गंगा नदी में, गांधी सेतु पे जाम लगाएंगे ना पुल पे, सेना को दिक्कत है ना, क्रेन बुलाएगा फेंक देगा नीचे, जा मरो लोग, सोच सकते हैं यहाँ पे आएंगे नेशनल इमरजेंसी में, हमारे इतना खतरनाक होता है नेशनल इमरजेंसी, सोच सकते हैं आदमी जानवर हो जाता है नेशनल इमरजेंसी में। जरूरी भी है, आपको 365 दिन जब से देश आजाद हुआ देश ने आपका ख्याल रखा, जब देश को जरूरत है आप साइड हो जाइए, नहीं तो फिर आपके रिश्तेदार रोएंगे आप, समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप केवल मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति को कैसे सौंप सकते हैं? हमने तो मंत्री पता ही नहीं था चुनाव से पहले कि रक्षा मंत्रालय किसको मिलेगा, समझ आएगी नहीं? हमें क्या पता था, आइए मंत्री मिलकर हमारे ऊपर नेशनल इमरजेंसी थोपेंगे, वो भी इतनी बड़ी बात नहीं ना। इसीलिए कहा गया कि हाँ भाई देश के लिए जरूरी है, आपको 30 दिन टाइम दे रहे हैं ना, 30 दिन हम बर्दाश्त कर लेंगे, देश के लिए कोई भी 30 दिन बर्दाश्त करें, लेकिन अगर इसे आगे बढ़ाना है तो आपको किससे अनुमोदन चाहिए? संसद। अब एक बार संसद ने अप्रूवल दे दिया तो संसद अनुमोदन कितने दिन के अंदर देती है? और 2/3 बहुमत से देती है, छोटा मोटा से नहीं, 2/3, मतलब 66% संसद के अंदर के लोग अगर कह रहे हैं कि नहीं देश के लिए विकट परिस्थिति है तो ही इसे क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो संसद कितने दिन के अंदर अनुमोदन करती है और कितने बहुमत से? 2/3। 2/3 का मतलब सर राष्ट्रपति नहीं रहा तब, यार तुम बैल हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। हम बताएं कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता है, वो अगर उसको राष्ट्रपति को ऑपरेशन होता है हार्ट का ऑपरेशन तो उपराष्ट्रपति को क्या बना दिया जाता है? राष्ट्रपति। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। कुछ लड़के होते खखोरते हैं, मतलब उनको पढ़ने में तनी तनी समझ में आने लगेगा ना, मैट्रिक में तो सरकारी स्कूल में पढ़ा, उसको समझ में आया नहीं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, समझ में नहीं आया उसको, अचानक यहां समझ में आया, ओ माय गॉड। चलो क्वेश्चन पूछते हैं, राष्ट्रपति को खजुअट हो गया तब बैल कहीं क्या जब बात करता है, राष्ट्रपति के पद कभी खाली रहेगा? तुम लोग को जिम्मेदारी थोड़ी थी संविधान बनाने की। आगे बढ़े और ये बताइए, 30 दिन के अंदर भारतीय राष्ट्रपति जो नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं वैलिडिटी कितने दिन? 30 दिन। भारतीय सेना पहुंची, बिहार रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, एक सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ग्रेनेडियर रेजिमेंट, अब पकड़ के 10 दिन में कूच दिया, ले 10 दिन में चीन कूच आ गया, तो राष्ट्रपति कहेंगे कोई जरूरत नहीं नेशनल इमरजेंसी है, शाबाश खत्म नेशनल में। तो नेशनल इमरजेंसी जब चाहे तो क्या किया जा सकता है? खत्म किया जा सकता है, लेकिन बढ़ाया जब चाहे नहीं जा सकता। राष्ट्रपति एक बार नेशनल इमरजेंसी लगाए तो कितने दिन रहेगा? 30 दिन। अगर 30 दिन से बढ़ाना है तो 30 दिन के अंदर अंदर संसद को अप्रूवल यानी अनुमोदन देना पड़ेगा अपने 2/3 बहुमत से। कितने बहुमत से? 2/3 इसलिए रखा गया है कि इसमें पूरा देश प्रभावित होता है, और इस देश प्रभावित होने के लिए केवल और केवल बहुमत, साधारण बहुमत नहीं, साधारण बहुमत मतलब 51% वोट। कितना परसेंट? 51%। सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 51%। अगर नेशनल इमरजेंसी लगाने की जिम्मेदारी कितना परसेंट पे देते हैं? 51% पर, तो कोई भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकता था, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री बना है उसके पास 51% तो सीट 100% कंफर्म है,
समझा गया कि नहीं? 51% मतलब 545 का 51% 273, कितना सीट? 273, तो 273 तो है ही है, लेकिन संविधान वालों ने कहा कि ऐसा अगर शक्ति दे देंगे तो इसका मतलब वो मिसयूज करना चाहे तो आराम से कर सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि 51 नहीं 66%, यानी 50 ये 1/2 बहुमत नहीं 2/3, इसका मतलब 2/3 बहुमत आप तभी जुटा सकते हैं जब रियल में देश का मामला रहेगा, तभी विपक्ष भी आपके साथ आएगा, समझ गया? अब संसद ने अनुमोदन दे दिया, कितने बहुमत से दिया बाबू? 2/3, कितने बहुमत से? 2/3, तब ये रहेगा 6 महीने तक, कितने महीने रहेगा? 6 महीने, क्योंकि कहा गया है कि भैया देश के लोगों को ज्यादा दिक्कत मत दीजिए, कितने महीने तक रहेगा? 6, लेकिन 6 महीने में भी युद्ध खत्म नहीं होता है तो इसे फिर से संसद के पास रखा जाएगा, फिर संसद इसे कितने वोट से पारित करेगी? 2/3, इस तरह से हर 6-6 महीना करके इसे आप अनंत काल तक क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, तब तक बढ़ाइए जब तक नेशनल इमरजेंसी खत्म नहीं हो जाता है। तो ये लागू करने की प्रोसेस हो गया, कैसे कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, अब समझना है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेशनल इमरजेंसी में कुछ नहीं कर सकते हैं, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए जबरदस्ती नसबंदी करा दिया सब, घर में घुस घुस के कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में गए तो कोर्ट भगा दिया, इमरजेंसी लगा बाहर में जाओ, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकता है, कोर्ट भगा, जबरदस्ती एकदम भयानक। आप इंदिरा गांधी बहुत ढीठ प्रधानमंत्री थी, आयरन लेडी बोला जाता है। सर कोरोना में इमरजेंसी लगाया जा सकता था, लगाया जा सकता था, लेकिन वो हेल्थ इमरजेंसी होती, इसके तहत नहीं आता है, उसका अलग कानून है जिसे कहते हैं पेंडेमिक एक्ट, जिसमें लॉकडाउन की व्यवस्था है। तो पेंडेमिक एक्ट तो लगाया ही था आपके ऊपर, लॉकडाउन की व्यवस्था थी, सड़क पर निकलते पकड़ के कूच देता आपको,